हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो हमारा पहला लेक्चर है वो वीडियो अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। उसमें उस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किस प्रकार से जीवों में जनन होता है, पादपों में जनन होता है, जनन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से जनन होते हैं, कहाँ कहाँ से जनन होते हैं। हम बात करते हैं जनन या रिप्रोडक्शन, जिसको हम बायस जेनेसिस कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। यदि आपको परिभाषा नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। सरल शब्दों में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के जो माता पिता होते हैं वो हम उनकी संतानें होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के माता पिता भी किसी की संतान होते हैं, या हम लोगों को आगे चल करके हम लोग दंपति बनते हैं, माता पिता बनते हैं और अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से जितने भी जीवधारी होते हैं वो किसी ना किसी तरह से अपनी मृत्यु से पहले या अपने समाप्ति से पहले अपनी जैसी संतानें उत्पन्न कर देते हैं, या उनकी जो गुण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, बायोजेनेसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बायोजेनेसिस होता है या रिप्रोडक्शन होता है कितने प्रकार का होता है। तो इसे हम सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसका जो वीडियो है वो पहले से ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप इसको वीडियो देखने के बाद में फिर आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा दूसरा रिप्रोडक्शन का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, जिसको हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन दिया गया है। हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर पादपों में किस प्रकार से जनन होता है और उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक पुष्प का डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पुष्प जो होता है इसके कौन कौन से भाग होते हैं, और कौन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और किस प्रकार से ये प्रजनन में भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पुष्प जो हमारा दिया गया है ये बाइसेक्सुलेट फ्लावर है या यूनिसेक्सुलेट फ्लावर है। हम बात करेंगे कि आखिर एकलिंगी किसको कहते हैं और द्विलिंगी किसको कहते हैं। पुष्प देखकर आप आसानी से जान सकते हैं। सबसे पहले हम पुष्प के भागों के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये पुष्प यूनिसेक्सुलेट है या बाइसेक्सुलेट है। उसके बाद में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है आपको छड़ दिख रहा है, जिसको हम लोग व्रंथ कहते हैं, डंठल कहते हैं ये। लेकिन डंठल यहाँ पर देखिए, पत्तियों में जो व्रंथ होता है उसको हम पर्णव्रंथ कहते हैं। यहाँ पर जो पुष्प में इसके ऊपर पुष्प लगा हुआ है तो इसके व्रंथ को हम पुष्प व्रंथ कहेंगे। इसे हम इंग्लिश में फिलामेंट भी कहते हैं, लेकिन वो फिलामेंट किसी विशेष के लिए नहीं उपयुक्त होता है, किसी भी तंतु के लिए फिलामेंट का उपयोग हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे फिलामेंट नहीं कहेंगे। ऐसा फिलामेंट जिसके ऊपर पुष्प लगा हो उसे हम पेडिसिल कहते हैं, और जिसके ऊपर पत्ती लगी हो उसे हम पर्णव्रंथ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं। क्या कहेंगे, पेडिसिल कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग पुष्प व्रंथ कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर हम बात करें पेडिसिल का क्या काम होता है, पेडिसिल पर जो है पुष्प हमारा टिका होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी पुष्प को आप देखेंगे तो छोटी छोटी पंक्तियां, छोटी छोटी पत्तियां या नखरयुक्त संरचना होती है जो हरे रंग की होती है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम बात करें यहाँ पर कहेंगे क्या, तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसमें एक चक्र, इसकी एक जो आप कह सकते हैं जो भ्रमी होती है, तो इस भ्रमी को हम, या इसके अगर हम बात करें तो इस पूरी की पूरी भ्रमी को क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें कि इस एक संरचना को हम क्या कहेंगे, तो एक संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर पेटल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। पेटल का मतलब होता है, इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज कहेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद में इस संरचना को आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, थैलेमस, थैलेमस कहते हैं। अब उसके बाद में जो हम आप पुष्प में देखे होंगे कि रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, उन पुष्पों को हम लोग क्या कहते हैं, उन पुष्पों को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, सॉरी
इस बाह्य दलपुंज यहाँ पर जो हरे रंग का होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। ये दलपुंज जो हमारा होता है, ये दलपुंज की अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो जैसे हमने बताया कि जो व्रंत होता है, जो पुष्प व्रंत होता है, ये क्या करता है, पुष्प को रोकने का कार्य करता है। और यहाँ पर जो हरे रंग की जो पत्ती होती, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ये क्या काम करती हैं, ये भोजन बनाने का भी कार्य करती हैं आवश्यकता अनुसार, और सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। हम बात करेंगे कि जो हमारा ये दलपुंज होता है, जो चमकीले चमकदार दलपुंज होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। बट यहाँ पर कोरोला पूरे भ्रमि को बताता है, अ ग्रुप ऑफ कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ जो है सेपल बताता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पेटल हो गया, इसको पेटल कहते हैं, इसको सेपल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों एक जैसे हों और ये भ्रम उत्पन्न हो जाए कि कौन क्या है, एक ही कलर के हों, तो उसे क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो उसे हम टेपल कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि पुष्प में कौन सा नर जननांग है और कौन सा मादा जननांग है। तो ये जो पुष्प आपको दिख रहा है, ये बाईसेक्सुलेट फ्लावर है। कैसा है? बाईसेक्सुलेट फ्लावर है। कैसा पुष्प है? बाईसेक्सुलेट फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है। अब देखिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पुष्प द्विलिंगी है या एकलिंगी है, कैसे पहचानने हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसकी संरचना की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, ये आपको किसी भी पुष्प में ऐसी संरचना आपको दिख रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं। देखिए, अगर हम इस पूरे ग्रुप की बात करें, पूरे सभी एंथर की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको एंड्रोसियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। एंड्रोसियम का मतलब भी होता है पुमंग, जिसको हम पुमंग कहते हैं। लेकिन ये जो पुमंग होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेश, यहां पर पुंकेसर। तो यहां पर और हम क्या कह सकते हैं, इसको स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम स्टामेन की बात करें कि स्टामेन के कितने भाग होते हैं, तो स्टामेन के तीन भाग होते हैं। स्टेमन के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऊपर आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, स्टेमन के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। जैसे ये फिलामेंट है, क्या है? ये फिलामेंट है, तो इसको कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। अब हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे जो मोस्टली है वो हिंदी मीडियम के हैं, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग डायग्राम सब इंग्लिश में ही सीखते हैं। तो इस फिलामेंट को क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। क्या कहेंगे? पुतंतु कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को वीडियो? चलिए आगे हम बात करेंगे कि जो ये सैक दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंथर कहते हैं। अब देखिए, एंथर के अलावा भी क्या इसका कोई नाम है? तो बिल्कुल नाम है भैया, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सैक कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? पराग कोष कहेंगे। और फिर बात करते हैं कि इसके अंदर पराग कण भरे हुए हैं, तो वो इसका हिस्सा इसके अंदर जरूर है। लेकिन जब आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, जब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि आखिर पुंकेसर कितने भागों में है, या पुमंग के कितने भाग हैं, तो तीन हैं। स्त्री केसर के कितने भाग हैं, तो तीन हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर पाउडर की बात करें जो आपके इसके अंदर भरा हुआ है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं, पराग कण कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको हम कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। तो अब तीसरा जो भाग हो जाएगा स्टमेन का, या कह सकते हैं एंड्रोसियम का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव का मतलब होता है योजक। क्या हो जाता है? योजक, या इसे संयोजक भी कहते हैं। और इसके अंदर भरे हुए जो पाउडर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। और क्या कहेंगे? और इसको हम क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे। और क्या कहेंगे?
इसको मेल गैमेट भी कहेंगे, क्या कहेंगे, मेल गैमेट भी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, पोलन, पोलन ग्रेन कहेंगे, क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लग रहा है, देखिए आप लोगों को ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप जो है इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, वीडियो आपको बहुत ही समझ में आएगा। बस फर्क ये है कि आप अगर नए तरीके से देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को वीडियो एक कैसी लगती है आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसमें आपका क्या सुझाव है आप सुझाव जो है अपना कमेंट में जरूर पिन करिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बात हो गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या लिखा गया है, एंड्रोसियम लिखा गया है। एंड्रो का मतलब ही होता है मेल। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर ये जो है आपको दिख रहा है, इसको गाइनोसियम कहते हैं, क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, गाइनोसियम कहेंगे। तो देखिए गाइनोसियम, जो गाइनोसियम होता है, गाइनी जो शब्द है, गाइनी शब्द जो है इसका मतलब ही होता है फीमेल, गाइनी का मतलब होता है फीमेल। तो ये जो गाइनोसियम है इसका मतलब है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या एंड्रोसियम को कुछ और भी कहते हैं, तो बिल्कुल भैया कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे, पिस्टिल कहते हैं। अब क्या पिस्टिल के भी कई भाग होते हैं, तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है, ठीक है पिस्टिल दिख रहा है। तो यहां पर हम लोग पिस्टिल के पास में देखते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं, पिस्टिल के भी 3 भाग होते हैं, पिस्टिल के भी 3 भाग होते हैं। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखिए ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। यहां पर अब नहीं लिखेंगे तो यहां पर हम लिख देते हैं ओवरी, क्या लिखेंगे, ओवरी। ओवरी को हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं, और देखिए ये अंडाशय है, ये क्या है, यहां पर आप देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर ये आपके इग सेल हैं, क्या हैं, इग सेल हैं, और ये इग सेल को क्या कहा जाता है, ओव्यूल कहा जाता है। इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं, अभी आपको बताएंगे। तो देखिए उसके बाद में हम पहले पिस्टिल के भाग पढ़ लेते हैं। तो पिस्टिल का पहला भाग हो गया ओवरी, और दूसरा यहां से लेकर के यहां तक के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, स्टाइल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। और वर्तिका के ऊपर देखिए यहां पर वर्तिकाग्र होता है, जो पुष्प के परागकण को क्या करता है, अटैच कराता है, ऑब्जर्व कराता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जिस प्रकार से इसमें इसके बहुत सारे नाम है, उस प्रकार से हम इसके भी नाम समझ लेंगे। तो देखो यहां पर हम लोगों ने इसको क्या कहा, ओव्यूल कहा, क्या कहा, ओव्यूल कहा। ओव्यूल को हम लोग हिंदी में अंडप कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। तो इस ओव्यूल को क्या कहा जा सकता है, ओवम कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, ओवम कहा जा सकता है। इग सेल भी कहा जा सकता है, क्या कहते हैं, इग सेल भी कहा जा सकता है। और क्या कह सकते हैं, फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जा सकता है। और क्या कह सकते हैं, फीमेल, फीमेल गैमेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मादा, मादा जनन कोशिका। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दिया गया है, मादा जनन कोशिका, इसको हम फीमेल गैमेट बोलेंगे, मादा युग्मक, और इग सेल को बोलेंगे अंड कोशिका। उसी प्रकार से पोलन ग्रेन को पराग कण, मेल गैमेट को नर युग्मक बोलेंगे, और इसको नर जनन कोशिका बोलेंगे। इसको माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर स्पोर का मतलब हिंदी में होता है लघु बीजाणु। और इसी प्रकार से यहां पर भी इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेगा स्पोर, क्या नाम हो जाएगा, मेगा स्पोर।
इसको हिंदी में कहेंगे गुरु बीजाणु। क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। और ये गुरु बीजाणु जहां पर पाए जाते हैं उस धानी को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम, जिसको हिंदी में कहेंगे गुरु बीजाणु धानी। माइक्रो, सॉरी यहां पर मेगा हो जाएगा, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। और यहां पर जो ये सैक है, पोलन सैक है, जिसके अंदर परागकण भरे हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु धानी। तो देखिए पुष्प के भाग, पुष्प के भाग आप लोगों को समझ में आया? यदि आपको कोई भी पार्ट छूटा हुआ लग रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट में जरूर करिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बता सकें। तो ये थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्पों के हम भागों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम पॉलिनेशन किसको कहते हैं, पॉलिनेशन क्या है। क्योंकि हम लोगों ने देखो पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे विधिवत, पहले अगर आपको ये आगे का मैटर, ये वाला मैटर नहीं समझ में आया, इसके नाम नहीं समझ में आए हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिए, फिर चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग अब पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन को हम परागण कहते हैं। अब देखिए परागण क्या होता है, सबसे पहले हम परागण को ओरली सीखेंगे, फिर यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली तरीके से सीखेंगे परागण होता क्या है। परागण का मतलब ये होता है कि कोई भी पुष्प, किसी भी पुष्प का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब परागकण होता है, जो परागकण जो परागकोष के अंदर भरा हुआ है, परागकण मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ये परागकोष से मुक्त होकर के किसी भी पुष्प की वर्तिका के वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं या पोलन सैक कहते हैं। तो देखो पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन कैसे बने हैं, पोलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जिसको हिंदी में कहा जाता है लघु, क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु जनन। जिसमें हम लोगों को ये सीखना है कि परागकण आखिर बनते कैसे हैं। तो इसको अगर यहाँ पर हम लोग सीखने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के बारे में सेपरेट सेपरेट वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में उतना करने के बाद में हम लोग जब फर्टिलाइजेशन सीखेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर अगली वीडियो में हम उसके अल्टरनेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी फुल लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो फ्लावरिंग, जो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन था, वो हमारा चार वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चैनल पर जरूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर से समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से इगसेल का मैच्योर होने को हम लोग क्या कहेंगे, जब हमारा ओव्यूल्स जो होगा, जो हमारे कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, उनसे अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो इसको भी हम लोगों को एक सेपरेट वीडियो में सीखना है। तो चलिए यहाँ पर हम सीखेंगे कि पॉलिनेशन क्या है। देखिए हमने कहा कि जब किसी पराग कोष से, यानी कि ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टामेन, जिसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और पुंकेसर, जब पुंकेसर का जब पराग कोष मैच्योर हो जाता है तो ये फटता है, और जब फटेगा तो ये पाउडर जो होगा, ये जो पाउडर होगा वो बिखरेगा, और बिखरते बिखरते इसका कोई परागकण क्या होगा, इसी पुष्प के, अपने पुष्प पर या किसी दूसरे पुष्प की वर्तिका पर, वर्तिका के वर्तिकाग्र पर
जाकर के जब गिरता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, जब किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर किसी स्त्री के सर के वर्तिका के वर्तिकाग्र पर जाके पराग कण गिर जाता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन पॉलिनेशन हमारा दो प्रकार का होता है, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। देखो, जब यहाँ पर ये वाला पराग कण इसी पुष्प से निकला और इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर के गिरा तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब इसका पराग कण किसी दूसरे पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प पर जाकर के गिरे तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या पर परागण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन और पुष्प के पार्ट के बारे में बताया गया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। तो अब यहाँ पर हम लोग अब आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर स्पोरोजेनेसिस जो होता है, यानी कि जिसमें लघु बीजाणु जनन बनेंगे, लघु बीजाणु जनन होगा या जिसमें पोलन ग्रेन बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, तो इसको हम लोग सेपरेट सेपरेट वीडियो में सीखेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो उसमें कौन कौन से बदलाव होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।